गोला थाना क्षेत्र में शनिवार को ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। बेटी के लव मैरिज से नाराज परिवार वालों पर दामाद की हत्या का आरोप लग रहा है। लड़की के परिवार वालों ने लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सरेराह सेक्रेटरी की धारदार हथियार से हत्या करने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि गोला क्षेत्र के उनौली गांव निवासी पूर्व प्रधान के भाई व उर्वा ब्लॉक में तैनात सेक्रेटरी अनीस चौधरी उर्फ पिंटू गांव के एक व्यक्ति के साथ शनिवार की दोपहर में चौराहे पर स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर हिसाब करने आए थे। रुपए का लेन देन कर अभी दुकान से बाहर निकले ही थे कि दो बाइक से आए चार युवकों ने धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दो बाइक पर चार लोग मुंह बांधे हुए थे और हेलमेट लगाए हुए थे। चारों ने धारदार हथियार से अनीस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके सर, गले व सीने पर कई वार किया गया। अनीस मौके पर ही लहूलुहान हालत में अचेत होकर गिर गया। धारदार हथियार को इधर उधर फेंक कर चारों उर्वा की तरफ फरार हो गए। परिवार वालों ने अनीस को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चंद मिनट बाद ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या की खबर मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गया और तफ्तीश शुरू कर दी। गौरतलब है कि अनीस चौधरी ने गघा थाना क्षेत्र की दीप्ति से प्रेम विवाह किया था। दीप्ति धर्मसेन देवकली गाँव की रहने वाले नलिन कुमार मिश्रा की पुत्री है। गोला ब्लॉक में तैनाती के दौरान दीप्ति व उर्वा ब्लॉक के सेक्रेटरी अनीस के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा आम हुई थी। वर्ष 2018 में एक दूजे संग कोर्ट में शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही दोनों को धमकी मिलने लगी थी। भय में ही दोनों अलग कमरा लेकर रहने लगे थे। अनीस के परिजन लड़की पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लड़की के मायके के घर पुलिस ने छापा मारा है। अनीस के भाई व पूर्व ग्राम प्रधान अनिल कन्नौजिया ने बताया कि भाई ने प्रेम विवाह किया था, इससे लड़की पक्ष के लोग नाराज थे, उन्हीं लोगों ने हमला किया है। मौके पर जांच कर रहे कोतवाल सुबोध कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई अनिल कन्नौजिया और एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। सीने पे हल्का हल्का दबाइए, सीने पे अगर सांस नहीं चल रही है तो सीने पे दबाइए, प्रेस करिएगा, ठीक है, सांस अगर काट लो तो गए हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं, दो कलीज लेके आई, सबको लेके आई, गए हैं सब, मेरे सामने लाई है, बड़े लोगों की बात सजा देंगे, सबको सजा देंगे, बड़े लोगों की बात मानते हैं, पहले कुछ तसल्ली से बैठो, ठीक है। इनको आप लोग क्यों छुए, क्यों छुए इनको आप लोग, आप लोग इनको वापस लाइए, हाँ वापस लाइए, भाई बात सुन लिया मैंने, भाई ले आऊंगा, हाँ ले आऊंगा, ये मेरे पति हैं, वापस, हाँ भाई मैं जानता हूँ, वापस लाइए इनको, ले आऊंगा, क्यों छुए, ये उन्हीं को ले आएंगे, उन्हीं बैठो, तसल्ली से बैठो। Thank you.
तुम्हारा समाज नहीं, हम ऐसी जात ऐसी जाते हैं, तुम्हारा समाज हमसे सट्टा कर रहा है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चाचा तुम्हारे रिश्तेदार मास का होगी कहें धमकिया रहे मत करो, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं तो आप रोक लेंगे शादी हम करेंगे, उसके बाद हो सकती है अपना तो ये कोई गुनाह नहीं है साहब, जब जबरदस्ती शादी कर रही है। हम उसके पिताजी से उसके चाचा से हमने कई बार जाकर जगह थाना में सबसे खतरनाक क्रम ये विनोद मिश्रा जानते हैं कि ये 376 का मुकदमा नहीं है, ये दोनों साथ रहते हैं पूरा पता किए तो हम उनका हाथ गोल जोड़े उसको फंसा दिए गए साहब, चार्जशीट लगा दिए फर्जी, हम बहुत रिक्वेस्ट उनके जाकर हम गजपुर चौकी में जाकर साहब हमारे भाई ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और उनका ब्लॉक में कार्यरत है, वो जा रहे थे ड्यूटी पर और वह एक दुकान पर पैसा बाकी था, पैसा देने गए, वहीं से पहले से बैठे मुखबिर द्वारा अपराधी उनको मारने पीटने लगे। हमारे भाई जो है अदर कास्ट में शादी की हड़की से, हम लोग धोबी जात के हैं, उनके परिवार वाले बार बार धमकी देते थे, मारने पीटने की धमकी देते थे, तरह तरह के फोन कराते थे इधर उधर से, आज जो है इसी के नाते उनका हत्या करा दिए। वो लोग बांधे हुए थे लेकिन जो है तीसरा कोई हमसे कोई विवाद नहीं था, किसी से इस तरह की कोई हमें विवाद नहीं था जिससे हमारी ये कहा जाए कि ये लोग हमसे मरवाए। हाँ, एक हमारे चाचा जी है वो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो भी साथ थे, लोग दोनों उर्मा ब्लॉक में थे, वो भी डिप्टी जा रहे थे, उनको भी लगा है। गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत FIR दर्ज किया जा रहा है और इस पूरा घटना को देखते हुए NSA के तहत कार्रवाई करने की पूरा तैयारी की जा रही है। जो मृतक था उन्होंने प्यार विवाह किया है, लड़की के अपने मर्जी से शादी किया है, तो जो लड़की के घर वालों पर आरोप लगा रहे हैं।